जय माता दी की। राम राम दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। नाम है रमेश और पिछली बार गैलजर महादेव का रिव्यू किया था, वहां का ब्लॉग बनाया था, तो फ्रेंड्स को काफी पसंद आया। एक बार अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप भी वहां पर जाना चाहेंगे और आपको वो वीडियो देखकर बहुत खुशी होगी, आपका मन बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। फ्रेंड्स की डिमांड थी कि अगला वीडियो, अगला ब्लॉग कब आए, तो गाइस आने वाला है अगला ब्लॉग। अगला ब्लॉग होगा बरका देवी का, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। काफी फेमस स्थान है माता जी का और काफी नाम चलता है माता जी का, और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है माता जी, और काफी अच्छी प्रकृति देखने को मिलेगी। बहुत ऊंचा पहाड़ है, हम बताएंगे वहाँ की पूरी हिस्ट्री और वहाँ की प्रकृति। तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। तो गाइस चुके हैं यहाँ से, हमारे घर से, और बरका देवी करीब यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, आधे घंटा का रास्ता है। फिर अभी जाके मिलते हैं। जय माता दी। दोस्तों ये टोल नाका आ गया है। दोस्तों ये मुजरास टोल नाका है, मुजरास भीलवाड़ा से 15 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों इस टोल पर हमारे गांव के ही सारे लड़के काम करते हैं। दोस्तों यह है गुरला, और गुरला अमरूद के लिए फेमस है। गुरला में बहुत सारे मीठे मीठे अमरूद के पेड़ हैं, और ज़्यादातर भीलवाड़ा ज़िले में अमरूद की सप्लाई गुरला से ही होती है। दोस्तों गुरला की प्रकृति, ऐसा कहा जाता है कि गुरला भीलवाड़ा का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गाँव में से एक है। यहाँ हरियाली इतनी है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। ये बहुत ही शानदार गढ़ है, आप देख पा रहे हो जैसा कि ये गढ़ है, इसे नया बनाया गया है और पुराना इसके पास में ही है। और ये स्कूल है, छोटी स्कूल है। दोस्तों गुरला बहुत ही ब्यूटीफुल गांव है, और दोस्तों ये है बड़ी स्कूल। दोस्तों मेरा एक छोटा भाई और मेरी छोटी बहन यहीं पर पढ़ते हैं। बहुत सारे हमारे गांव के लड़के लड़की यहीं पर पढ़ने आते हैं। दोस्तों दूर पहाड़ी पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो माँ चामुंडा का है, हम यहाँ पर कभी घूमने आएंगे। दोस्तों ये है लाखोला चौराया, माता जी के जाने का एक रास्ता ये भी है। दूर माता जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। पिछली बार जब हम गए थे तो हम इसी रास्ते से गए हमारे फ्रेंड के साथ में, लेकिन दोस्तों इस बार हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे हवाले। अब दूर दूर दोस्तों हम इस रास्ते से जाएंगे, सामने सरगांव का रास्ता है। माता जी के जाने के लिए इधर घूमना पड़ेगा हमको। तो चलिए दोस्तों चलते चलते माँ बरका देवी के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। माँ बरका देवी शक्तिपीठ धाम बरक भीलवाड़ा जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सहाड़ा तहसील के बरक पंचायत में माँ बरका देवी का शक्तिपीठ है। माँ बरका देवी शक्तिपीठ करीब 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। श्री बरका देवी शक्तिपीठ पहाड़ी पर बसा हुआ बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ पर हर वर्ष नवरात्रा में भजन संध्या का शानदार प्रोग्राम रहता है, जिसमें दूर दराज से यात्री लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं अथवा संध्या प्रोग्राम का लुत्फ उठाते हैं। पुराने इतिहास के अनुसार माँ बरका देवी शक्तिपीठ द्वारा हर रविवार को माँ का दरबार सजाया जाता है। रविवार के दिन मैया जी की दिन में 3 बार आरती होती है, जो क्रमशः सुबह, दोपहर एवं शाम को सम्पन्न होती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता गया, माँ के दरबार में यात्रियों की भीड़ दर्शन के लिए आने लगी। पहले केवल 8 से 10 आदमी ही यहाँ पर ठहर सकते थे, पर मैया जी के आशीर्वाद से 3-4 साल पहले ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ तथा यात्रियों के ठहरने के लिए बड़ी बड़ी विश्राम शालाओं का निर्माण भी किया गया, जिसमें बारिश के समय लगभग 3,000 लोगों के आराम से बैठने की सुविधा है तथा नीचे गाँव में भी विश्राम शालाओं तथा पीने के पानी की टंकियों का निर्माण स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। अन्य देखने लायक स्थान, राजा भरतहरि की गुफा। प्राचीन मान्यता के अनुसार महाप्रतापी राजा भरतहरि ने इस शक्तिपीठ पर आकर साधना की थी, और कहा जाता है कि राजा भरतहरि बरक गांव के निवासियों तथा मां बरका देवी शक्तिपीठ में आने वाले यात्री लोगों को शेर के आतंक से मुक्ति दिलाई। शेर की गुफा आज भी वहां पर मौजूद है, जब भी आप कभी घूमने जाओ तो वहां पर आराम से देख सकते हो।
लोगों ने जब इस घटना के बारे में सुना तो मैया जी के दर्शन तथा उस वीर ओजस्वी साधक को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे दूर दराज के लोगों का यहाँ धीरे धीरे आना जाना होने लगा और राजा भरतहरि ने एकांत के लिए यह स्थान छोड़ दिया और दूर चले गए। भरतपुर के सरिस्का अभ्यारण में राजा भरतहरि की समाधि स्थल है। चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो भूले अपनी बाही, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाही, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं मैया के दरबार में। दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हैं। विकलांग एवं बीमार लोगों के लिए लिफ्ट लगाई जा रही है। अभी कार्य प्रगति पर है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नीचे का दृश्य देखते हैं। ओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। आज बादलों ने सूरज को रोकने की पूरी कोशिश कर रखी है, मगर उसे कौन रोक सकता है। दोस्तों ये राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर होने वाला है जहां पर लिफ्ट लगाई जा रही है। दोस्तों ये पुराना रास्ता है, जब सड़क नहीं थी तो लोग यहां से आया करते थे। चलिए ऊपर चलते हैं। श्रद्धालु सेल्फी और फोटो ले रहे हैं। नन्ही सी गुड़िया छाता लेकर फोटो खिंचवा रही हैं। दोस्तों एक तरफ गहरी खाई भी है, लोग अपने परिवार के साथ दर्शन करने आए हैं। अदा।
पीने के पानी की टंकी है, बहुत ही मीठा जल है। कहते हैं ना कि जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, बजरंगबली हर जगह मौजूद हैं। चलो उनसे राम राम कर लेते हैं। राम राम, जय माता दी की। जय माता दी। क्या सुंदर मंदिर है, कांच की अति सुंदर एवं बारीकी से नक्काशी की गई है। माँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सब की मनोकामना जल्दी पूरी कर देना। दोस्तों, हम करीब 700 मीटर की ऊंचाई पर हैं। दोस्तों, वो दूर सड़क दिखाई दे रही है और पास में तालाब भी। ये प्रबंधक ऑफिस है और दानदाता यहाँ दान देकर रसीद यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सात पहाड़ियों का एक अलग ही नजारा है, इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, वाओ, अमेजिंग। दोस्तों, चलिए छत पर चलते हैं। क्या ठंडी ठंडी मस्त पवन चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो समय यहीं थम जाए तो कितना अच्छा है। दोस्तों, लोग वहां पर फैमिली फोटो ले रहे हैं। दोस्तों, जीवन में एक बार यहां पर जरूर आना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा।
दोस्तों मुझे कुछ लोग बड़े बालों एवं बड़ी दाढ़ी के लिए जंगली भी कहते हैं। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ जो भी सिक्का चिपकाता है 1 रुपये या 2 रुपये का, उसकी सारी इच्छाएं माँ जल्द ही पूरी कर देती है। दोस्तों ये छोटा सा बच्चा भी सिक्का चिपकाने की कोशिश कर रहा है मगर नहीं चिपका, गिर गया। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। दोस्तों हम लोग इस रास्ते से आए थे। दोस्तों चलते चलते हम सबके फेवरेट और इष्ट देव बजरंगबली को राम राम बोल देते हैं। जय सियाराम। दोस्तों यहाँ एक और रास्ता है जो सीधा नीचे जाता है। देखते हैं। देखें दोस्तों कहते हैं कि ये प्यारा सा लड़का अपनी स्वेच्छा से यहाँ सफाई करता है माँ के दरबार में। और दोस्तों ये लड़का आने वाले भक्तों को पानी पिलाता है, भगवान इनकी सब इच्छा पूरी करे। जाते जाते एक बार और देख लेते हैं। दोस्तों ये सफ़र काफ़ी शानदार रहा और ज़िंदगी में मुझे ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक बार माँ के दर्शन करने यहाँ पर ज़रूर आइएगा। जय माता दी।